बड़ी जिम्मेदारी डालने जा रहा है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपका लर्द आपके कंधों पर डालने जा रहा है। दोस्तों, इस चिन्ह को दिल में बिठा लेना, इस शब्द को जुबान पर सजा लेना, इस झंडे को अपने सिर पर उठा लेना और फिर देखते हैं कैसे राजस्थान की राजनीति का नक्शा नहीं बदलता है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र में यहाँ के वोटर की आस्था है, यहाँ की जनता की आस्था है, और वही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अब राजस्थान के किसानों की पार्टी होगी, राजस्थान के दलित पीड़ित वंचित और शोषित की पार्टी होगी, आप और हम सब की पार्टी होगी। बोतल हमारा चुनाव चिन्ह होगा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमारी पार्टी होगी, और इसको लेकर के अच्छा अच्छा हुआ है आपके हाथों में पहले से थी पानी की बोतलें थी है, और इसको पानी की बोतल तक ही सीमित रखना है। वेरी गुड, इसको कहते हैं कॉमन सेंस। लीजिए, अब मैं मंच पर आमंत्रण देना चाहूं, मैं समझ सकता हूं आपके उत्साह को, आपके जोश को, आपके जज्बे को, और अब मैं मंच पर आमंत्रण लेना चाहूंगा लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह जी के पोते, जिन्होंने किसान और राजनीति को देश दुनिया तक पहुंचाया, भाई जयंत सिंह चौधरी को आप मंच पर आए और उनके साथ भारत वाहिनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान की राजनीति के चाणक्य भाई घनश्याम जी तिवारी को समाजवादी पार्टी से भाई अखिलेश जी का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ पधारे, संजय जी लाठर को, चौधरी योगराज सिंह जी प्रभारी राजस्थान राष्ट्रीय लोकदल को, वसीम राजा जी युवा अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा राष्ट्रीय लोकदल, आप सभी आदरणीय हनुमान जी भाई साहब के साथ मंच पर पधारे। और लीजिए एक बार जोरदार तालियां घनश्याम जी तिवारी के लिए। घनश्याम जी ने अकेले नहीं सबको रचा रखा है, अब ये हनुमान जी दोनों मिल जाएंगे उसके बाद तो आलम क्या होगा। हमारे बीच विद्याधर जी होलखा भी मौजूद हैं, जो राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष है, डॉक्टर संजय जी लाठर विधायक है, अखिलेश जी ने अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए आपको समाजवादी पार्टी की ओर से विशेष रूप से भेजा है। और ये वो चेहरे हैं जो आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति का नक्शा बदलेंगे, और ये गठबंधन हो चुका है, हाथ से हाथ जुड़ चुके हैं, कंधे से कंधे मिल चुके हैं, कदम से कदम मिल चुके हैं, अब राजस्थान नहीं रुकेगा, अब राजस्थान नहीं झुकेगा, अब किसान नहीं रुकेगा, अब किसान नहीं झुकेगा। आदरणीय हनुमान जी भाई साहब पेरीवाल भाई साहब के साथ घनश्याम जी तिवारी, जयंत जी चौधरी और बहुत सारे नाम है जो कुछ पर्दे के पीछे अभी हैं, कुछ पर्दे के सामने आ चुके हैं। अब सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह रहेगा, आप हमारे मूल नेताओं को छोड़कर के सारे लोग नीचे जाकर के बैठने का कष्ट करें, सभी से निवेदन रहेगा। हाँ बिल्कुल, आपने अभिवादन स्वीकार कर लिया है, ईश्वर से दुआ आप सारे लोग भी आगे चल करके बड़े नेता बनो, क्योंकि हनुमान जी साहब तो कहते हैं कि मेरी पार्टी युवाओं को नेता बनाने की फैक्ट्री होगी, सभी से आग्रह रहेगा। हाँ, और आप बड़ा शुभ काम हुआ है, और शुभ काम में गणेश जी की वंदना नहीं हो ऐसा हो नहीं सकता, भाई मनप्रीत से आग्रह करना चाहूंगा,